Sony LIV, we live to entertain. Download the app. Latest episodes देखने के लिए Sony LIV app download करें. Sony LIV, we live to entertain. मैंने आपसे कहा ना कि रॉकी को बाइक नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी. और रॉकी तो अपना वो ड्राइविंग वाला एग्जाम भी फेल हो गया है ना, तब तो बाइक चलाने की बात नहीं आती. हाय. ए रॉकी, एक ही खाद हो जाए. नहीं, मूड नहीं है. क्या हुआ? कहाँ जा रहे? मैं वॉक पे जा रहा हूँ. रुक यार, तूने बड़ा अच्छा मौसम चुना है बाहर. 52 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ख्यालों के साथ साथ पसीने की गंगा बह जाए, और अगर उसके साथ कुत्ते भी जय हो चिल्लाए तो क्या बात. क्या बोल रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे. बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता. मतलब मैं क्लब से अकेला भाग जाऊँ? यार ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा. देख यार, बाहर से मैं जैसा भी लगूँ, लेकिन यार मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, और इस समय 25 कुत्ते खड़े होंगे बाहर. चल बैठ जा. बैठना, अरे बैठना, बैठो. अब बता प्रॉब्लम क्या है. मेरे पेरेंट्स मुझे बाइक नहीं दिलाने वाले. उन्होंने पहले से तय करके रखा था, लेकिन मुझे बताया नहीं. मैं बड़ा लूजर हूँ, एक लाइसेंस का टेस्ट पास नहीं कर सकता, चला था बाइक चलाने. देख, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तू टेस्ट देगा और पास भी होगा. ये अलग बात है कि तू पास ही नहीं होना चाहता. मैं क्यों पास नहीं होना चाहूँगा? तो टेस्ट की बात अपने दिमाग से निकाल दे. देख मेरी बात सुन, मेरे पास स्कूटर है, मैं खुद उसे चलाता हूँ. कोई दूसरा चलाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की अलग बात है, वो ऐसा नहीं सोचते. ज़्यादातर पेरेंट्स को डर लगता है अगर उनका बच्चा टू व्हीलर चलाए. तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना होगा रॉकी, कि तुम एक बाइक की जिम्मेदारी ले सकते हो, उसके खतरों से सावधान रह सकते हो, उसे चला सकते हो. अब तुम ये विश्वास कैसे दिलाओगे? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है. एक बड़ी कमी नहीं है सर. नहीं, लाइफ कमी नहीं है, बड़े होना आसान नहीं है, बड़े होना जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी हमेशा कठिन होती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. चेयर अप. ओ जी जल्दी से सब्जी लाओ. क्यों इतनी जल्दी? क्या राजपन नगर जाना है प्रॉपर्टी दिखाने. रॉकी कहाँ है? कमरे में. आपको क्या फर्क पड़ता है रॉकी कहीं भी, आप तो जाओ प्रॉपर्टी दिखाने. क्या हुआ? आपको पता है रॉकी फिर से लाइसेंस का टेस्ट देने गया, इस बार वो सिद्धांत के साथ गया. वो सिद्धांत ही लेकर आया था फॉर्म घर पर. जब मैंने उससे कहा कि रॉकी से मिलना जुलना छोड़ दे, तो मुझसे कहता है कि आप अपने बच्चे को समझते नहीं हो, इसलिए आपका बच्चा बाहर वालों से दोस्ती करता है. उसने ये कहा आपसे? मैं आपसे कह रही हूँ, अगर रॉकी का उसके साथ घूमना फिरना बंद नहीं करवाया ना, तो बेटा हाथ से निकल जाएगा. ओ जी, आपने ना उसी समय मुझे फोन करके बुलाना चाहिए था, मैं अभी जाके देखता हूँ उसे. उसे क्या जाके देखना है, उसे क्या देखना है? क्या देखोगे उसमें? अपने बेटे को देखो और रॉकी को खबरदार करो कि उससे ना मिले. ओ जी, 18 साल के बच्चे को कैसे बताऊं किससे मिले किससे ना मिले? बेहतर तो ये होगा मैं उस माथुर के बच्चे को जाकर दिखता हूँ. अपने बच्चे से बात करो, आपका बेटा रॉकी है कि वो माथुर? आप रॉकी को कहो कि उससे ना मिले. देखो जी, रॉकी का उससे मिलना जुलना बंद कराइए, और ये जिम्मेदारी आपकी, बस मैं और कुछ नहीं जानती. मेरी ऑफिस में लगाई तो कमिश्नर साहब तस्वीर देखते ही एकदम से बौखला गए. बोले ओ भाई देख, जब तक मारी तस्वीर तू नहीं बनवाएगा ना, तब तक तू अपनी तस्वीर ऑफिस में नहीं लगा सकता. अरे एक रिक्वेस्ट है यार, तो कमिश्नर साहब की एक तस्वीर बना दे यार. चौधरी जी, वो क्या है कि बढ़िया तस्वीर बनाने में
टाइम लगता है। देख यार तू बहाने मत बना, टाइम निकाल के बना देना यार। ओए नजोत तो मेरी स्कूटर निकाल यार, टेस्ट लेना है इसका। अब चौधरी जी वो क्या है कि मैं एक दो दिन कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं कमिश्नर साहब की फोटो बना सकता हूँ। यो कहीं ना बात यार, कहीं एक रिक्वेस्ट है। आप एक क्या यार, दस बोल। ये मेरा दोस्त है ना, हाँ इसको आपकी स्कूटर चलाने में थोड़ी तकलीफ होती है। क्या दूर? क्या दूर रही है क्योंकि आप उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ देखिए भाई साहब, प्रॉब्लम की जड़ मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम की जड़ आप लोग खुद हैं। आप लोग किस सदी में जी रहे हैं? देखिए भाई साहब, रॉकी का स्वभाव नहीं बदल रहा है, रॉकी बड़ा हो रहा है और इस बात को स्वीकार करने के लिए आप लोग राजी नहीं है। देख भाई, हम जो तुझे कह रहे हैं वो समझ बस। राजी देखिए, हम गलत हो सकते हैं लेकिन ये हमारे घर का मामला है, इसमें आप ना ही दखल दें तो अच्छा है, हम इसे निपट लेंगे। आप लोग अभी भी मेरी बात को नहीं समझे। प्रॉब्लम ये है कि रॉकी चाहता है कि उसे वो सब कुछ मिले जो एक नौजवान चाहता है, और आपने भी और हमने भी यही चाहा था पर हमें नहीं मिली क्योंकि हमारे माँ बाप शायद उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर हम छोटे शहरों में रहते थे। जीत भाई साहब, इस बात को समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे आज के दौर के नौजवान हैं और इनको समझने के लिए हमें वक्त के साथ बदलना होगा। ओए क्या कर रहा है तू, परवरिश में ज्ञान दे रहा है हमें, और परवरिश में पीएचडी की, मैंने पीएचडी, तुझसे ज्यादा बड़े बच्चे हैं मेरे। प्राजी प्राजी जब भी बात करता हमें नीचा दिखाने की बात करता है। देखो भाई साफ साफ सुन लो, रॉकी से दूर रहे, वो हमारा बच्चा है, हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम अच्छी तरह जानते हैं, और तू बीच में आया तो हम चलते हैं। देखिए भाई साहब, मुझे दोष देकर आपका कोई फायदा नहीं है, अब मैं तो ये समझाने की हम चलते हैं। कोशिश कर रहा था। अरे ये लोग कहाँ चले गए मैम? वो आए थे इनविटेशन देने, रॉकी का बर्थडे है ना, और जगह भी जाना था। रॉकी का 18th बर्थडे? अरे वाह क्या बात है। अब शरबत। 18 का हो गया, इसका मतलब हमारा बेटा नहीं रहा। अब वो बड़ा हो गया है तो हम उसे सही गलत के बारे में बताना छोड़ देंगे क्या? अगर 40 साल का भी हो गया ना तब भी हम उसको बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, उसे आगाह करते रहेंगे गलत काम करने से। ये जो कर रहा है ना, ये जो बागी हुआ है ना, ये उस सिद्धांत माथुर की वजह से हुआ है, उसकी कंपनी का असर है, उसकी दोस्ती इसके लिए गलत ही नहीं खतरनाक है, ये सब उसका असर है, वरना मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। स्वीटी जी, आप अखबारों में बाई के एक्सीडेंट के बारे में तो देख लेते हो लेकिन अपने ही बच्चे के अच्छे गुण नहीं दिखाई देते आपको। मुझे एक बात साफ साफ समझ लो, आपका बेटा बागी नहीं हो रहा, दूर हो रहा है वो हमसे, वक्त के साथ बदलो स्वीटी जी, हमेशा बच्चों पर हुकुम नहीं चलाया जाता, बच्चों को हर बात डांट के नहीं समझाई जाती। देखिए लकी जी, ऐसा है आप मुझे मत सिखाइए, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा, अगर आज मेरे बच्चे लायक हैं अच्छे हैं तो वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें सख्ती के साथ पाला है। बच्चे वो बिगड़ते हैं जिनके माँ बाप उन पर सख्ती नहीं दिखाते, खास उस वक्त जब उन्हें दिखानी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी परवरिश की बाग दौड़ सख्ती से पकड़ रखी, कभी इसे ढीली नहीं होने दी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बदलना चाहिए, इसलिए प्लीज
आप मुझे समझाने की कोशिश ना करें। लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।